भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चढ़ाएंगे गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी। लाखों की संख्या में जुटेंगे श्रद्धालु। शुक्रवार शाम से ही पहुंचने लगे आस्थावान। बाबा गोरखनाथ को चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्ष भर वितरित होता है जरूरतमंदों में। खिचड़ी मेले में पैसा छीनने वाली दो महिला अभियुक्ताओं को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1120 रुपया नगद व पर्स किया बरामद। भेजा जेल एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। सांसद विधायकों के साथ सीएम योगी ने की गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा, जन आकांक्षाओं के अनुरूप नए विकास कार्यों के प्रस्ताव दे जनप्रतिनिधि। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास की नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है गोरखपुर मंडल। सार्वजनिक स्थल पर अश्लील प्रैंक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले अभियुक्त अमित यादव को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेजा जेल सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। दिवंगत होमगार्ड्स जवान के परिजन को सीएम योगी ने 34 लाख का चेक। ड्यूटी से घर जाते वक्त गत वर्ष 18 मार्च को सड़क हादसे में नारद मुनि की हो गई थी मृत्यु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भरण पोषण और बच्चे की शिक्षा में नहीं आने दी जाएगी दिक्कत। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानीराम सिकचौर बाजार चौराहे के पास खड़े पिंटू सिंह का चैन व पैसा छीनने और जान से मारने की नियत से गोली मारने के आरोपी गौरव यादव उर्फ गोलू, जितेंद्र मौर्य और नागेंद्र मौर्य को चिलुआताल और स्वाट पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। दो पिस्टल एक तमंचा किया बरामद। भेजा जेल एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। मकर संक्रांति के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत एटीएस कमांडो दस्ता व ब्लैक कैच कमांडो सहित भारी संख्या में पुलिस बल किए गए तैनात। एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, मंदिर के अंदर भी है 4 लेयर में मल्टी सिक्योरिटी प्लान। सुरक्षा के है पुख्ता इंतजाम। सकुशल सम्पन्न कराएंगे खिचड़ी मेला। जनवरी को है मकर संक्रांति का पर्व, लेकिन 14 जनवरी को बड़ी संख्या में दूर दराज व गांव से आए श्रद्धालुओं ने अपनी परंपरा के अनुसार गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। श्रद्धालुओं ने कहा, सच्चे दिल से जो भी फरियाद करे उसकी पूरा करते हैं गुरु गोरखनाथ जी मनोकामना। यहां से नहीं जाता है कोई खाली हाथ। गोरखपुर महोत्सव में लगाए गए हैं विभिन्न प्रकार के स्टॉल। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रबंध इकाई की महिला उत्पादक समूह ने भी लगाया स्टॉल। कहा, स्टॉल से लोग बहुत पसंद से कर रहे हैं सामानों की खरीदारी। इंजीनियर सिटी चैप्टर गोरखपुर के नए कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा, संस्था और उसके सदस्यों की तरक्की के लिए करते रहेंगे कार्य। लगातार शीतलहर और कोहरे से दो दिनों से खिलखिलाती धूप से आम जनमानस को मिली राहत। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अभी भी 20 तारीख तक शीतलहर और कोहरे के कारण ठंडक रहेगी बरकरार।